नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग बिहार के स्कूली बच्चों को हर साल करवाएगा इसरो की सैर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। खनिज ढोने वाले वाहनों को करना होगा ये काम, वरना हो सकता है नुकसान। बिहार में सामान्य से भी कम वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति। एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम पहुंची श्रीलंका। मुकाबले में विराट और रोहित आएंगे नजर। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 या 27 साल होनी चाहिए। पद के मुताबिक उम्र सीमा निर्धारित है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के स्कूली बच्चों को हर साल करवाएगा इसरो की सैर। शिक्षा विभाग हर साल बिहार के 100 स्कूली बच्चों को इसरो का भ्रमण करवाने की रूपरेखा तैयार कर रहा है कि बिहार के प्रतिभावान बच्चों को अंतरिक्ष की दुनिया से रूबरू करवाया जा सके। इसकी जानकारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्सव 2024 के मौके पर BTI पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि प्रत्येक जिले से कम 2-2 बच्चों का चयन होगा। इसरो की तरफ से टैलेंट सर्च एग्जाम करवाया जाए तो इसमें सफल बच्चों को शिक्षा विभाग प्रोत्साहित करेगा। पितृपक्ष मेले को लेकर पर्यटन निगम ने पूरी की तैयारी। इस साल होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर बिहार राज्य पर्यटन निगम ने पैकेज तैयार किया है। जल्द ही आम लोगों के लिए इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस बुकिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए 8544418408 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला आयोजित होगा। पर्यटन निगम ने ये पैकेज पटना पुनपुन गया के लिए तैयार किया है। ये एक दिन का कार्यक्रम रहेगा। प्रति व्यक्ति भ्रमण के लिए 16,650 रुपये तक निर्धारित है। 2 लोगों के लिए 17,300 रुपये देने होंगे। वहीं 4 लोगों के लिए 30,650 रुपये देने होंगे। 2 दिन के टूर पैकेज में पटना पुनपुन गया बोधगया और राजगीर शामिल किया गया है। इसमें 1 व्यक्ति के लिए 21,100 रुपये, 2 लोगों के लिए 21,700 रुपये और 4 लोगों के लिए 40,700 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ई पिंडदान करने वालों को 21,500 रुपये देने होंगे। इस पैकेज के तहत पुरोहित विष्णुपद अक्षयवट और फल्गु नदी में पिंडदान करवाया जाएगा। पिंडदान करने वालों को इसके तहत वीडियो या पेन ड्राइव भी दिए जाएंगे। जल संसाधन विभाग में नौकरी के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े की खुली पोल। बिहार में जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट के जरिए नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल छात्रों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर यहां 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किए थे। इसकी परीक्षा भी 28 जुलाई को आयोजित हुई थी। पटना स्थित एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी परीक्षा देने भी पहुंचे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसमें जल संसाधन मंत्रालय और जलाशय संसाधन परिषद लिखा हुआ था। फर्जी वेबसाइट के विज्ञापन में लिखा था कि वे देश के 40 शहरों में ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें एक सेंटर पटना भी था। इस सेंटर पर करीब 260 बच्चे परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होते ही 10 मिनट में सर्वर भी डाउन हो गया। जब लिंक नहीं खुला तो कई छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के संचालन सुबोध कुमार ने परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को बताया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। जब इस मामले को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे तो फर्जी परीक्षा का खुलासा हुआ। मामला सामने आते ही सभी स्टाफ फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को बिहार सरकार देगी आर्थिक सहायता। जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है या जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चे हैं तो उन्हें राहत देने के लिए बिहार सरकार एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा इन महिलाओं के 2 बच्चों के लिए बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका पालन पोषण हो सके। इसके लिए उन्हें हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एक परिवार से केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना चला रही है। इस योजना के तहत मुफ्त में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको वेबसाइट https://bsmfc.org पर जाना होगा। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 24 प्रकार के रोजगार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की के बाद इनमें से 50% तक छात्रों को नियोजन या प्लेसमेंट में उपलब्ध करवाया जाएगा। जानिए वेबसाइट पर दिखने वाले एड से कैसे पाए छुटकारा। अक्सर इंटरनेट ब्राउज करते समय आपको वेबसाइट पर यानी क्रोम पर कई एड्स दिखते होंगे। इन एड्स से कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल क्रोम की मदद से बार बार आ रहे इस एड से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में रीडर मोड फीचर को ओपन करना होगा। इसके लिए आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं वहां जाकर दाहिने साइड दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से रीडर मोड भी एक होगा। यदि यहां आपको नज़र नहीं आ रहा है ये मोड, तो आप मोर टूल्स वाले ऑप्शन में इसे देख सकते हैं। यहां आपको रीडर मोड दिख जाएगा, फिर आप आसानी से एड फ्री वेबसाइट देख सकेंगे। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के विकास को लेकर जाने कितने रुपयों की मिली मंजूरी। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 1746 स्कूलों का चयन हुआ है। इस योजना के तहत सभी जिलों के स्कूलों में टीम को गठित किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 3007 करोड़ रुपए के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए स्कूलों के आधारभूत संरचना का विकास होगा। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्कूलों को दी जाएगी। पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने समीक्षा बैठक भी की। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग ने पीएम श्री योजना में अगले साल तक राज्य के कम से कम 4000 विद्यालयों को शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। भारतीय रेलवे देश में कई त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करता है। सावन का महीना शुरू है और ट्रेन से यात्रा करने वाले सिर्फ भक्तों के लिए भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए सिर्फ भक्तों के लिए 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में CPRO पूर्व मध्य रेलवे सरस्वती चंद्र ने कहा है कि ट्रेन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 9 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेनें पटना, गया, सरायगढ़, रक्सौल, जयनगर, सियालदह, गोरखपुर, इन जगहों से चलाई जा रही हैं। इसके अलावे कुछ और ट्रेनों का सुल्तानगंज जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। जसीडीह स्टेशन पर भी ठहराव में एक्सटेंशन किए गए हैं। खनिज ढोने वाले वाहनों को करना होगा ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। 1 अगस्त से अपने वाहनों पर वाहन निबंधन और निबंधन सॉफ्ट में दर्ज संख्या निबंधन संख्या अलग से लिखना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था बालू समेत अन्य लघु खनिज चोरी रोकने के लिए की गई है। जो खनिज ढोने वाले वाहन होंगे, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे वाहनों का चालान जारी नहीं करेगी। ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ इन्हें जब्त भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिस वजह से प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। जाने ऑनलाइन या ऑफलाइन मोबाइल फोन खरीदने के फायदे और नुकसान। अक्सर हम मोबाइल फोन खरीदने के समय कंफ्यूज रहते हैं कि फोन ऑफलाइन ले या ऑनलाइन। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही जगह से मोबाइल लेने में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ऑनलाइन फ़ोन की खरीदारी करने पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन और एक से एक बड़े डील्स और ऑफर होते हैं। घर पर आसानी से इसकी डिलीवरी भी हो जाती है। ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ़ोन लेने में कई बार हम गुणवत्ता को ठीक से समझ नहीं पाते और देरी से फ़ोन की डिलीवरी का भी डर या फिर इसके दौरान इसके खोने का भी डर लगा रहता है। वहीं ऑफलाइन यानी किसी दुकान से जाकर फ़ोन लेने में दुकानदार से सीधा संपर्क हो पाता है और चीज़ों की स्पष्टता होती है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इस दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर आप इसकी शिकायत सीधे जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बहुत कम ही ऑफ़र मिलेंगे और मोबाइल ख़रीदने के लिए आपका समय भी जाया हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपके पास विकल्प भी बहुत कम होते हैं।
शिक्षक अभ्यर्थियों को मिली खुशखबरी। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पहले अभ्यर्थियों को ये मौका 3 बार दिया जाता था, जिससे बीपीएससी शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करके 5 बार कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने 3 बार अवसर गंवा दिए हैं, उन्हें 4th और 5वां मौका भी दिया जाएगा। विक्रमशिला एक्सप्रेस में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था से लोगों को मिलेगी मुक्ति। मालदा मंडल की तरफ से 1-2-3-6-7 1-2-3-6-8 विक्रमशिला एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के कोच में सीट के लिए पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था से जल्द ही यात्रियों को राहत मिलेगी। इस व्यवस्था से कई यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस ट्रेन में 2 और द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे। 18 अक्टूबर से ट्रेन में 4 द्वितीय श्रेणी के कोच हो जाएंगे। इस ट्रेन में 2 स्लीपर को हटाकर 2 और द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़ने का फैसला रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है। TRE 3 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास नंबर बढ़ाने के नाम पर आ रहे फर्जी कॉल। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। इसका आंसर की आयोग द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब इसी बीच कई अभ्यर्थियों ने बताया है कि खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताने वाले कॉल कर रहे हैं। इस कॉल पर यह भी कहा जा रहा है कि आपका कुछ ही नंबर से रिजल्ट में चूक हो रहा है, यदि आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाह रहे हैं तो पैसे भेजिए। इस दौरान अभ्यर्थियों से 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों को अपनी बातों में लेने की कोशिश करने में लगे ये जालसाज उनका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस समेत कई जानकारियां भी बता रहे हैं, जिससे अब ये सवाल उठने लगा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा इन तक कैसे पहुंचा। इस मामले को लेकर EOU में भी शिकायत कर दी गई है। साथ ही आयोग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थियों को इस तरह का कॉल आता है तो ये साइबर ठगी का एक प्रयास हो सकता है, इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करें। इस संबंध में आयोग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप चाहे तो 8986422296 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली मनु और सबरजोत को दी बधाई। बिहार सीएम नीतीश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में पदक जीतने वाली सुश्री मनु भाकर और श्री सबरजोत सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल और प्रतिभा के बल पर ये उपलब्धि हासिल की है और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। बिहार में 29 छूटे हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों के छूटे हिस्सों के निर्माण की तैयारी कर रही है। इसके लिए 29 छूटे हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण को राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी भी दे दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सड़कों के निर्माण से कई टोलों के बीच सड़क संपर्कता स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की गई, जहां छूटे हुए कई छोटे सड़कों का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद इन सड़कों के निर्माण को लेकर विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई गई। बिहार में सामान्य से भी कम वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति। बिहार में सामान्य से भी कम वर्षा के कारण किसानों पर बड़ा असर पड़ रहा है। कई जिलों में तो सुखाड़ की स्थिति तक बनने लगी है। लोग गर्मी से परेशान हैं। हालांकि आज भी प्रदेश में कई जगहों पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में किया दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर तो 38 से 40 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक मामले में 3 अभियुक्तों को भेजा गया जेल। NTA द्वारा आयोजित नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने जांच पूरी कर ली है। इस मामले में पटना स्थित विशेष अदालत ने 3 अभियुक्तों को CBI की पूछताछ के बाद वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। CBI के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस मामले को लेकर पंकज कुमार, शशिकांत पासवान और अविनाश कुमार को हिरासती पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर हुई लाखों की ठगी। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश करना बिहार के मुजफ्फरपुर के एक युवक को भारी पड़ गया। युवक गूगल से नंबर सर्च करके ट्रेडिंग करना चाह रहा था, लेकिन इस चक्कर में उसे लाखों का चूना लग गया। युवक मुजफ्फरपुर के मझौली खेतल का रहने वाला था। इनका नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा है और ये एक व्यवसायी है। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर साइबर अपराधियों ने इस युवक से लाखों रुपये मंगवाए थे,
लेकिन जब उसे किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ तब उसे समझ आया कि वो ठगी का शिकार हुआ है। इस शख्स से साइबर अपराधी ने धीरे धीरे 13 अकाउंट्स में करीब 35 लाख रुपए मंगवाए थे। इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कर दी गई। अपने खर्च का हिसाब देने में आनाकानी कर रहे कई विभाग, प्रदेश में सभी विभागों को खर्च का हिसाब देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जो अपने खर्च का हिसाब नहीं दे रहे हैं। महालेखाकार को अभी तक करीब 11,341.57 करोड़ रुपए के बिल नहीं मिले हैं। सितंबर 2023 का ये हिसाब किताब है। इससे बीते 21 वित्तीय वर्ष के बकाए बिल को जोड़कर बनाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल आधे से अधिक राशि के खर्च का हिसाब उद्योग, स्वास्थ्य, वन व पर्यावरण, शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग, इन्हीं 5 विभाग को देना है। 1 अगस्त से बीजेपी चलाएगी सहयोग कार्यक्रम। बीजेपी कोटे से मंत्री सुनेंगे लोगों की फरियाद। 1 अगस्त से बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी कोटे के मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। बीजेपी ने इससे संबंधित लिस्ट भी जारी कर दी है। किस दिन कौन से मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे? सोमवार को लोगों की समस्याएं सुनकर उनके परेशानियों का निपटारा करने की जिम्मेदारी मंगल पांडे, केदार गुप्ता और कृष्ण नंदन पासवान को दी गई है। मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन सम्राट चौधरी अपने आवास पर करेंगे। इनके अलावे और भी कई मंत्रियों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई है जो फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। लालू प्रसाद यादव ने लगातार हो रहे रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीते कुछ दिनों में लगातार रेल हादसे के कई मामले देखने को मिले हैं। अब इस रेल हादसे को देखते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। लालू यादव ने अपने बयान में रेल के डिब्बे को ताबूत करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। केंद्र सरकार सुरक्षा के लिए किसी तरह के कदम भी नहीं उठा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट में लिखा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। पप्पू यादव ने कांग्रेस को राजद से अलग होने की दी नसीहत। अब तक महागठबंधन का साथ निभा रहे कांग्रेस को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ी नसीहत दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक गठबंधन में रहेगी तब तक तीसरे विकल्प की गुंजाइश कांग्रेस के पास नहीं रहेगी। आगे पप्पू यादव ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस अगर अकेले चलने का निर्णय लेती है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आगे पप्पू यादव ने राजद की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में है तब तक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग जिस नए विकल्प की अपेक्षा रख रहे हैं उनमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी के रूप में देखते हैं। एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम पहुंची श्रीलंका। मुकाबले में विराट और रोहित आएंगे नजर। T20 सीरीज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच समाप्त हो चुका है और अब भारतीय टीम इस एक दिवसीय सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। इसमें मुकाबले में एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि T20 इंटरनेशनल से दोनों ही खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। ये मुकाबला 2 अगस्त को देखने को मिलेगा। भारतीय टीम इसके लिए कोलंबो पहुँच चुकी है। कई कानों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2000 में लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक को पारित किया था। आज के दिन वर्ष 1993 में भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1950 में भारत और नेपाल ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत में सबसे पहले राज्य परिवहन निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। आज के दिन वर्ष 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा के लिए साबरमती आश्रम को छोड़ा था। आज के दिन वर्ष 1880 में हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 27 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। इसका सही उत्तर है 27 जुलाई। हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ से शुरू की जाएगी? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है मुंबई। हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT कोलकाता, ऑप्शन सी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद।
इसका सही उत्तर है IIT खड़गपुर। बिहार में किस जिले का सर्वाधिक भाग वनों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है जमुई। इसका सही उत्तर है रोहतास। बिहार के किस शहर में 125 फीट लंबा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है कुनर शर्मा, राजकिशोर महतो, राखी, उमेश, ऋषिदेव, कौशल कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र मेहता, कौशल कुमार, करुणेश कुमार, बिरजू कुमार, रविंद्र राज, पंकज कुमार दास, संदीप यादव, रविंद्र राज, मोहम्मद साकिर हुसैन, सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लगातार हो रहे रेल हादसे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।